हम देख रहे हैं स्टॉक रिकमेंडेशन, किस तरीके से आप नेक्स्ट वीक में कौन 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 से स्टॉक्स में पैसे लगा सकते हैं जहाँ पे आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अजीत सिंह, स्वागत करता हूँ चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का शेयर ये भाव पे काफी बेहतर लग रहा है और हम इसको मतलब नेक्स्ट वीक के लिए बाइंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे टेक्निकल चार्ट की हेल्प से कि क्यों ये अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग मंथली चार्ट पे देखें तो एक प्रॉपरली अब ट्रेंडिंग है, बाद में जो RSI है वो 62 के ऊपर है। उसके बाद अगर हम लोग वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट पे RSI 62 है और एक हायर लो एस्टेब्लिश करता हुआ हमें दिख रहा है। अगर हम लोग कंपेयर करें जो रिट्रेसमेंट है वो कितना आया था, तो जो रिट्रेसमेंट का जो परसेंटेज है वो था प्रॉपरली 50%। ये हम लोग चेक कर सकते हैं, 50% का रिट्रेसमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लिया है अपने हायर लो से नीचे के, यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। और फिर एक हायर लो एस्टेब्लिश करता हुआ दिख रहा है और 0.38% के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ इस वीक में, मतलब लास्ट वीक में। अगर हम लोग डेली डेली कैंडल की बात करें तो डेली कैंडल पे एक हायर लो एस्टेब्लिश करता हुआ बेहतर तरीके से ऊपर जाता हुआ हमको दिख रहा है, हम लोग ये चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग वैसे डेली चार्ट तक ही आएंगे क्योंकि हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वीकली बेसिस पे कर रहे हैं। अगर हम लोग कंपेयर करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बैंक निफ्टी के साथ, तो बैंक निफ्टी ये देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी 61 है मंथली पे RSI, और जो SBI है वो है 62, मतलब आउट परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। यहाँ पे देखें तो ये 61 है RSI, और यहाँ पे अगर हम लोग एक देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी ने ज्यादा रिट्रेसमेंट लिया है मगर निफ्टी ने कम, बैंक निफ्टी ने ज्यादा रिट्रेसमेंट लिया है मगर SBI ने कम लिया है। अगर हम लोग देखें बैंक निफ्टी ने तकरीबन 0.61% एक गोल्डन रेशियो का रिट्रेसमेंट लिया है और 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया है। उसी तरीके से SBI ने 50% का रिट्रेसमेंट लिया है और 0.38% के ऊपर क्लोजिंग दिया है वीकली बेसिस पे, तो एक पॉजिटिव संकेत है स्टॉक के लिए। अगर डेली कैंडल पे बात करें तो डेली कैंडल पे ये बैंक निफ्टी ऊपर जाता हुआ हमको नहीं दिख रहा है मगर SBI में वो स्ट्रेंथ दिख रही है हमको कि वो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। हम लोग EMS पे कैलकुलेट करते हैं, EMS क्या दर्शा रहे हैं बता रहे हैं। अगर EMA के साथ हम लोग कंपेयर करें तो वीकली बेसिस पे ये देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रॉपरली 3-5 EMA का क्रॉस ओवर है और 13 EMA का प्रॉपरली सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने, सॉरी SBI ने। उसी तरीके से अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें EMS को लेके कि EMS पे कैसा लग रहा है बैंक निफ्टी, मंथली कैंडल पे अगर देखें तो मंथली कैंडल पे बेहतर है। उसी तरीके से अगर वीकली कैंडल पे देखें तो वीकली कैंडल पे अभी भी 5 EMA के नीचे है और जो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है वो 20 EMA का मीडियन का लिया है मगर SBI ने 13 EMA का लिया है, मतलब रिट्रेसमेंट कम हुआ है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। उसी तरीके से डेली कैंडल पे अगर देखें तो डेली कैंडल पे अभी भी 50 EMA के नीचे है बैंक निफ्टी मगर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव संकेत है और कंपेयर टू बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा, ऐसा चार्ट्स को देख के लगता है। मतलब हम लोग ने कंपेयर करने की कोशिश की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक निफ्टी के चार्ट को और उसमें बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो कमजोर दिख रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो अपने जो भी बैंक निफ्टी के चार्ट से ज्यादा बेहतर लग रहा है। ये जो था वो स्टडी पर्पज के हिसाब से था, आप अपनी खुद की स्टडी कीजिए और अपने हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या ये वीडियो आप देख के पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट कर पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।